हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो है ट्राई लेयर कैरेट डेजर्ट, जो कि मैंने गाजर से बनाया है। विंटर्स हैं और विंटर में गाजर की कोई रेसिपी ना बने, वो भी मीठे में, तो गाजर के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो मैंने इसी के देखते हुए इसके लिए एक अलग सी कुछ इनोवेशन की है और इस लेयरिंग वाली रेसिपी को ट्राई किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें डाल दिया है 2 चम्मच घी। जब घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें यहाँ पर गाजर डालनी है, जो कि मैंने 1 kg लिया है और उसे ग्रेट कर लिया है। जैसे कि हम गाजर के हलवे के लिए ग्रेट करते हैं, उसी तरह से ग्रेट करेंगे। और इसे हमें पकाना है। पहले हम इसे 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे, फ्लेम हम लो रखेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। और इसे पकाने के लिए इसमें कुछ डालना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ 1/2 ग्लास दूध। दूध इतना ही काफ़ी, इससे ज़्यादा दूध हमें नहीं ऐड करना है। 1/2 ग्लास दूध ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसे हम ढक कर रख देंगे लो फ्लेम पर पकने के लिए, और बीच बीच में से हम चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर उसे मैंने रख दिया है दूसरे साइड पर। और यहाँ पर एक और पैन लेकर ये डाल दिया है 1 चम्मच घी। और इसे मेल्ट करने के बाद हमें चाहिए सेवियां। आपके पास कोई भी सेवियां जो अवेलेबल हो, मैंने यहाँ पे बेम्बिनो की सेवियां यूज़ की हैं, आपके पास कोई जो भी सेवियां अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और उसे डालकर हमें भूनना है लो फ्लेम पर और हिलाते रहेंगे, वरना ये एक साइड से जल जाएंगे और दूसरी साइड से वाइट रह जाएंगी। तो इसे मिक्स करते हुए हमें ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन कलर करना है। और ये अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं तो इसी स्टेज पर हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध यहाँ पर डाला है 1.5 कप। मैंने 1 कप सेवियाँ ली हैं और 1.5 कप इसमें दूध डाल दिया है। आप चाहें तो इसे पानी के साथ भी बना सकते हैं, मीठी सेवियाँ टाइप, लेकिन दूध के साथ जो इसका टेस्ट होगा ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच चीनी ऐड कर दी है। चीनी हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसे बॉयल दिलवाएंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो इसे हम लो फ्लेम पर पका लेंगे और इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे और जब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दूध रह जाएगा, मोस्टली दूध जो होगा सेवियाँ एब्जॉर्ब कर लेंगी, हल्का सा रह जाएगा, उसी स्टेज पर हम जो है गैस को बंद कर देंगे। क्योंकि अगर थोड़ा वो दूध रह भी जाएगा, ये ठंडी होने के बाद वैसे भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो यहाँ इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है बंद कर दूंगी। अब एक बार हम गाजर को देख लेते हैं। इसमें जो दूध डाला था सब सूख चुका है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी 3 या 4 चम्मच, और 3 से 4 चम्मच ऐड की हैं। और क्योंकि गाजर मीठी हैं इसीलिए मैंने इतनी क्वांटिटी में ही ऐड की है चीनी। अगर आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और मिक्स करके इसे हम लो फ्लेम पर पका लेंगे। अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे क्योंकि चीनी डाली, चीनी के डालने के बाद ये पानी छोड़ती है और उसे भी पकाना ज़रूरी होता है। और उसे साइड पर रख दिया है लो फ्लेम पर, और बीच बीच में हिलाएंगे ज़रूर, वरना चीनी वाला जो गाजर होती है वो नीचे तले पर लग जाती है, जल जाती है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है दूसरे पैन में 1 लीटर दूध। और अब हमें बनानी है इसकी रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए हमेशा फुल फैट क्रीम दूध ही लेना चाहिए। और जैसे इसमें बॉयल आएगा तो इसका फ्लेम लो करेंगे, लेकिन इसे साथ साथ में स्टर करना बहुत ज़रूरी है, वरना दूध जल जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर यूज़ किया है। आपके पास अगर मिल्क पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप 2 ब्रेड के स्लाइसिस लीजिए, उसका एजेस को कट कर दीजिए, ब्राउन वाला पार्ट जो होता है, और उसका पाउडर बनाकर मिक्सी में डालकर उसे ग्राइंड कर लीजिए, और उसे भी आप डालकर ऐड कर सकते हैं। वैसे जो मिल्क पाउडर होता है वो ग्रोसरी स्टोर पर और मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल होता है। अब देख सकते हैं कि रबड़ी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ केसर का दूध। आप चाहें तो इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और जो इसके साइड पर जो मलाई आती है उसे भी हम उतार कर बीच में मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी यूज़ की है, क्योंकि मिल्क पाउडर डाला है और वो भी मीठा होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही ऐड किया। लेकिन अगर आप ब्रेड डाल रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर मिक्स करेंगे। जो रबड़ी होगी उसे हम थोड़ा सा पतला रखेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद वो भी गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं रबड़ी जो है सही है। इसी स्टेज पर हमें गैस को ऑफ कर देना है, ठंडी होने के बाद इसका जो टेक्सचर होगा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर गाजर चेक कर लेते हैं। गाजर भी बिल्कुल पक चुकी हैं, इसकी चीनी गैस सब मिक्स हो चुकी हैं, कुक हो चुकी हैं गाजर, तो इस स्टेज पर ये भी गैस हम बंद कर लेंगे। अब गाजर जब ठंडी हो जाएंगी तो हमें इसके छोटे छोटे, जब ये हल्की हल्की कोसी जैसे कहते हैं पंजाबी में, तो हल्की हल्की गर्म होगी तो उसी स्टेज पर हम इसका ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं जो कि हम गार्निशिंग में यूज़ करने वाले हैं।
ये मैंने सारे बॉल्स यहाँ पर बनाए हैं। और अब लेगी एक ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉल, आप किसी भी बॉल में बना सकते हैं इसे। और मैंने एक साइड पर ग्लास भी लिया है, दोनों में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। और सबसे पहले जो मैं लेयर लगाऊंगी वो होगी गाजर की। गाजर को डालकर हम अच्छे से स्पून की हेल्प से इसे स्प्रेड कर देंगे इक्वली चारों तरफ से, और थोड़ा सा इसे हम प्रेस भी करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स अच्छे से सेट हो जाए। अब जो फर्स्ट लेयर है बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हमें सेकेंड लेयर बनानी है, वो हम बनाएंगे सेवियों की। तो यहाँ पर मैं सेवियाँ डाल रही हूँ और इसे इक्वली हम चारों तरफ से फैला देंगे। फ्रेंड्स, ये न्यू तरह का डेजर्ट बनाया है, तीनों लेयर जो बनाई हैं इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किए हैं जो आपको इजीली अवेलेबल ना हो। हर जगह पर ये अवेलेबल होते हैं इंग्रेडिएंट्स, और मोस्टली तो ये चीज़ें घर पर ही अवेलेबल होती हैं। और कुछ नया ट्राई करना बनता है, विंटर्स हों या समर्स हों, तो जो जिसे मीठा पसंद है वो तो डेफिनेटली पसंद करेगा, जिसे नहीं भी पसंद वो भी इसे खाकर बहुत खुश होने वाला है। और इसके साथ ही जो थर्ड लेयर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ वो है रबड़ी की, और इसी तरह से रबड़ी को भी हम डालकर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। अगर आप चाहें तो इसे हल्का गर्म भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इसे हल्का ठंडा भी खा सकते हैं, जैसे आपके टेस्ट हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे खा सकते हैं। और यहाँ पर सबसे लास्ट में हमें करनी गार्निशिंग। गार्निशिंग करने के लिए ये जो मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाए थे गाजर के, तो उसे हम लगा देंगे। और इसका फाइनल टच आएगा पिस्ता से, बारीक कटा हुआ पिस्ता इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे इसकी जो लुक होगी देखने में ही बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर ये डेजर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से पहले मैं आपको ये बॉल पास से दिखाती हूँ, इसकी तीनों लेयर्स आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे ग्लास में। ग्लास में भी सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले आप गाजर डालेंगे, गाजर को अच्छे से प्रेस कर देंगे, उसके ऊपर जाएगी एक लेयर सेवियों की और उसे भी प्रेस करेंगे, और लास्ट लेयर जो होगी वो जाएगी रबड़ी की, और इसे भी इक्वली हम फैला लेंगे। और गार्निश करने के लिए हम लगा देंगे एक गाजर का बॉल और थोड़ा सा इसके ऊपर पिस्ता स्प्रिंकल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी नई सी यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी अपने फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।